अगर आप भी बॉडी बिल्डिंग के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये खबर गाज़ियाबाद से सामने आई है। गाज़ियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे ने जिम संचालकों को एक आदेश दिया है। इस आदेश में कहा गया है कि जिम संचालकों की तरफ से किसी भी तरह का फूड सप्लीमेंट नहीं दिया जा सकता। अगर कोई भी फूड सप्लीमेंट दिया जाएगा तो उसके लिए डॉक्टर से प्रेस्क्राइब कराना ज़रूरी होगा। आपको ये बता दें कि गाज़ियाबाद के डीएम अजय शंकर पांडे को कई जगहों से खबरें मिल रही थी कि युवाओं को आकर्षित करने के लिए फूड सप्लीमेंट दिया जा रहा है। युवाओं को ये लालच दिया जाता है कि फूड सप्लीमेंट से वो जल्दी बॉडी बना सकते हैं। आजकल के युवा बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स को देखकर जल्दी बॉडी बनाने के टेम्पटेशन में आ जाते हैं और इसी वजह से कई बार वो फूड सप्लीमेंट लेकर जान तक गंवा जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक मॉनिटरिंग कमेटी भी गाज़ियाबाद के डीएम ने बनाई है जो सभी जिम पर नज़र रखेगी। इससे पहले डीएम ने प्रशासनिक महकमे को यह आदेश दिया है कि जल्द से जल्द एक सूची उपलब्ध कराई जाए जिसमें इस बात को बताया जाए कि गाज़ियाबाद जिले में कितने जिम चल रहे हैं। अच्छी बात है, जिम उनको ज्वाइन करना चाहिए, अपने को स्वस्थ रखना चाहिए, लेकिन अति उत्साह में आकर के वो शॉर्टकट मेथड अडॉप्ट करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। विशेष रूप से फूड सप्लीमेंट का प्रयोग जिम के माध्यम से बच्चों में हो रहा है, तो इसी को चेक करने के लिए मैंने सीएमओ को एक निर्देश जारी किया है कि वो एक सारे जिम संचालकों को एक एडवाइजरी जारी करें कि उन्हें जिम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, फूड सप्लीमेंट के क्या नुकसान हैं एक सरल भाषा में लिख करके वो जिम वालों को सप्लाई करें, और जिम वालों को ये निर्देश दिया गया है कि वो उसको अपने जिम में डिस्प्ले करेंगे कि फूड सप्लीमेंट के ये दुष्प्रभाव हैं। साथ ही जो हमारे केमिस्ट हैं उनके लिए भी निर्देश हमने प्रसारित करवाया है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के वो किसी को फूड सप्लीमेंट नहीं देंगे। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, जो आदेशों का उल्लंघन अगर करते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, इसके लिए हमने एक समिति का गठन किया है अपर सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्ष